अगर आप 31 मार्च 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो वो बेकार हो जाएगा, उसको आप कहीं यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से अभी तक लिंक नहीं किया है तो आपके पास 31 मार्च तक का टाइम है, उससे पहले पहले आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लेना है। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा कि इस पैन कार्ड के लिए पेमेंट नहीं किया गया है, तो आपको 1000 रुपए का पेमेंट करना होगा अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए। तो आप पहले पेमेंट करेंगे, इसके लिए आप कंटिन्यू टू पे पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, इसके बाद दोबारा से पैन कार्ड नंबर डालेंगे कंफर्म करने के लिए। नीचे आप एक मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहां डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है, तो इसमें आपको लेटेस्ट चूज करना है 2023-24। इसके बाद आपको टाइप ऑफ पेमेंट चूज करना है, तो इसमें आप चूज करेंगे अदर रिसीप्ट्स, जिसका कोड है 500, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू। आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं अदर्स में 1000 रुपीज आ चुके हैं, तो आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। किस तरीके से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो आपको यहाँ पर कुछ बैंक्स दिए गए हैं, इनसे आप पे कर सकते हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड से पे करना है तो आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे। डेबिट कार्ड में कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ही अवेलेबल है। अगर आपका बैंक इसमें नहीं है तो आप सीधे पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 3 पेमेंट गेटवेज दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी एक पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं फेडरल बैंक वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। पेमेंट गेटवे के थ्रू आप किसी भी बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कंटिन्यू। आपके सामने एक समरी आ जाएगी, 1000 रुपीज आपको पे करने हैं, तो आप यहाँ पे नाउ पर क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस को आप यहाँ पर रीड करेंगे, आई एग्री, इसके बाद सबमिट टू बैंक। अब यहाँ से आप किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको UPI से पे करना है तो आप UPI पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपनी UPI ID डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके UPI एप्लीकेशन में एक पेमेंट रिक्वेस्ट सेंड कर दी जाएगी। अपना UPI पिन डालकर आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो आप कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। किसी भी बैंक के डेबिट कार्ड की डिटेल्स आप यहां फिल करके पे पर क्लिक करेंगे और OTP डालकर पेमेंट कंप्लीट कर देंगे। और अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग से पे करना है तो आप नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। आप यहां किसी भी बैंक की इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से पे करने पर आपको 12 रुपीज का चार्ज देना होगा, आप यहां कंफर्म करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पेमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका चालान जनरेट हो जाएगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करके अपने रिकॉर्ड के लिए इस चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको 1 से 2 दिन का वेट करना है, क्योंकि ये पेमेंट अपडेट होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो 1 से 2 दिन के बाद आप दोबारा से इस पोर्टल पर आएंगे। इसमें आप लिंक आधार पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वही पेज आ जाएगा। इसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि आप पेमेंट पहले ही कर चुके हैं तो आपकी पेमेंट डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी। इसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप नेम डालेंगे जैसा आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, एक मोबाइल नंबर डालेंगे। नीचे आप टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, आई एग्री, इसके बाद लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP यहां डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और इसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। इसके बाद स्टेटस चेक करने के लिए आप यहां लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर डालकर व्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके सामने स्टेटस आ जाएगा कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।